आएंगे तो अंगना सजाऊंगी, राम आएंगे तो अंगना सजाऊंगी, दीप जला के दिवाली में मनाऊंगी, मेरी झोपड़ी के भाग आज खुले जाएंगे, मेरे राम आएंगे, मेरे झोपड़ी के भाग आज खुले जाएंगे, मेरे राम आएंगे, हो राम आएंगे तो अंगना। नमस्कार, तो आपसे भी तो मैं प्यार करने उसका छोटे को प्यार स्वागत करके अपने YouTube चैनल निखिल मां ब्लॉग में। और देख सकते हैं मेरे पीछे कुछ लाइटें इस तरह से लगी हुई हैं और हम छत में आ गए हैं। और यहाँ मौसम आज बड़ा अच्छा हो गया है, सुहाना सा मौसम भी हो गया है, जिससे कि पूरा मौसम यहाँ का जो धुंध हो रखी थी ना वो पूरी ख़त्म हो गई है और बहुत प्यारा सा मौसम हो गया है यहाँ पर, ये देखिए। और आप सभी को दिवाली की ढेर सारी शुभकामनाएँ, हैप्पी दिवाली। तो दोस्तों, शुरू हो गई है दिवाली बांटना और यहाँ पर जो है ना अपने रिलेटिव को, फ्रेंड्स लोगों को यहाँ पर दिवाली बांटी जाती है, तो मैं भी जा रही हूँ दिवाली बांटने। तो आगे मिलती हूँ आपको आगे। और मार्केट में दिवाली की धूम क्या चल रही है वो भी दिखाया जाएगा आपको। तो इस तरह से हो रही है दिवाली की तैयारी हमारे मोहल्ले में। तो दोस्तों, यहाँ पर दिवाली की तैयारी मेरी हो गई है और आज है छोटी दिवाली, कल है बड़ी दिवाली और दिवाली की ढेर सारी शुभकामनाएं। तो यहाँ पर आज मैंने बिछा दिए हैं सेम कलर का बेडशीट और सेम कलर की उसमें पिल्लो कवर और यहाँ पर सेम कलर का ब्लैंकेट। तो ये ब्लैंकेट जो है बहुत ही अच्छा है और ये गर्म भी रखता है और हल्के का हल्का भी है। समय के हिसाब से सब चीज़ चेंज हो रहा है दोस्तों। तो ये जो ब्लैंकेट है ना, इसमें बिल्कुल हल्का ही एकदम है, ओढ़ने में भी बहुत ज़्यादा कम्फर्टेबल है और ना ज़्यादा कॉस्टली है। और मेन बात है कि ये कॉस्टली हो ना हो इसका मेरे को नहीं पता। और मेन बात ये किया है ना हमारा, तो ये गिफ्ट आया हुआ है दिवाली का गिफ्ट, जो कि हस्बैंड जी के फ्रेंड हैं अभिषेक जी, तो उन्होंने ये गिफ्ट हमें दिया हुआ है दिवाली पे। और दिवाली पे ना वो हमें हमेशा से बहुत अच्छे ब्लैंकेट देते थे, सिग्नेचर का या किसी भी चीज़ का। तो इस बार उन्होंने कुछ डिफरेंट करने की सोची, कुछ डिफरेंट सा हमें गिफ्ट दिया हुआ है और हमें नहीं, मतलब हस्बैंड जी को। तो यहाँ पर उन्होंने एक ब्लैंकेट और एक बेडशीट और ये जो दो पिल्लो कवर हैं वो हमें गिफ्ट में दिए हुए हैं। ये पूरा ही सेट है और बहुत ज़्यादा ये कंफर्टेबल है। एंड मैं उनको ये बोलना चाहती हूँ कि बहुत बहुत थैंक यू एंड हैप्पी दिवाली। तो इधर देख सकते हैं बहुत मस्त सा उन्होंने हमें गिफ्ट दिया है दिवाली का। रूम तो मेरा इस तरह से रेडी हो गया है, सेम कलर की बेडशीट, सेम कलर के पिल्लो कवर एंड सेम कलर के उसके साथ ब्लैंकेट ये मिला हुआ है हमें, जो कि गिफ्ट में अभिषेक जी की। ये है हमारा बैठक रूम, जिसे बोलते हैं ड्राइंग रूम। तो ये मेरा इस तरह से रेडी हो गया है और नीचे बिछा दिए कारपेट, टेबल होगी और ये देखिए सोफ़ा कवर, कुशन कवर इस तरह से डाल दिया मैंने। और ये देखिए, ये हो रही दिवाली की तैयारी। और सेठ जी जो हैं यहाँ पर ला रहे हैं अपना बोतल मिनरल वाटर। हाँ, हैप्पी दिवाली शुरू हो गई है, गिफ्ट आने शुरू हो गए हैं। तो अर्जुन लोगों ने हमें बहुत मस्त सा गिफ्ट दिया है, ये देख सकते हैं, दिए भी दिए हैं प्यारे प्यारे से और यहाँ पर ये वाली मिठाई भी दी हुई है। और ये हमारा गिफ्ट आया हुआ है हैदराबाद से, तो ये देख सकते हैं बाकी गिफ्ट अभी अंदर हैं। हैदराबाद से हमारे लिए आई हुई है मिठाई, ये देख सकते हैं। और ये इसमें भी ड्राई फ्रूट हैं, ये हस्बैंड जी को मिले हुए हैं, ये जो है हमारे कोई दोस्त लोग ही लाए हुए हैं। तो ये गिफ्ट आ गए हैं और दिवाली की ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ हम लोगों की भी दिवाली शुरू होती है। अब दोस्तों, दिवाली की तैयारी कुछ इस तरह से हो रही है। इस बेड में मैंने ये वाला चादर डाल दिया है, ये और सोफा इस तरह से कर दिए हैं, ये देख सकते हैं।
दोस्तों अपने पहाड़ के आज मैंने गोल्ड की ज्वेलरी पहन ली। ये मेरे कान के जो है ना बहुत पुराने हैं, ये मैंने शादी के दिनों में बनाए थे और इसमें जो है बाहर तो मूंगा है, बाकी जो है ये सारी चीज़ें जो हैं गोल्ड की हैं। और वहाँ पे ना हर रोज़ मतलब हर साल नया नया चेंज होते रहता है, तो मैंने ये सब रखे रहे क्योंकि जब कभी भी चेंज हो तो सही है। अब देखो फिर से कभी ना कभी तो आएगा ना इसका मॉडल, तो इस चक्कर में मैंने देखो आज डाल लिए हैं तो अच्छे ही लग रहे हैं। तो ये इस तरह के आपको कैसे लग रहे कमेंट करके ज़रूर बताना। ये मेरे शादी के दिनों के हैं और मतलब 1500 साल पुराने ये कान के हैं। पहले ना इस तरह से बनते थे, इसमें मूंगा है बीच में, बाकी है चारों तरफ से गोल्ड है। और मैंने ये रख दी थी इस तरह से क्योंकि यहाँ पे ना हम लोग पहनते नहीं, बाकी त्योहारों पे हम लोग कभी कभी डाल लेते हैं, तो ये मैंने आज डाल लिए हैं इस तरह से। और ये भी जो है मेरा गोल्ड का ही है। तो दोस्तों शुरू हो गई है दिवाली बांटना और यहाँ पर जो है ना अपने रिलेटिव को फ्रेंड्स लोगों को यहाँ पर दिवाली बांटी जाती है, तो मैं भी जा रही हूँ दिवाली बांटने। तो आगे मिलती हूँ आपको आगे, और मार्केट में दिवाली की धूम क्या चल रही है वो भी दिखाया जाएगा आपको। बने तो यहाँ मैं निकल रही हूँ, हम जा रही हूँ और इधर देख सकते हैं रास्ते में फूल वूल लग गए हैं। तो दोस्तों ये है मार्केट की धूम, देखो रंगोली वालों ने भी दुकान लगाई हुई है, जहाँ देखो फूल फूलों की दुकानें लगी हुई हैं। और दिवाली पे ना बहुत धूम लगी है सैलून। ये हूँ यहाँ देखे फ्लैट ही फ्लैट हैं और यहाँ पे रहते हैं अनुज लोग सामने वाली बिल्डिंग में। तो यह है अनुज का घर जहाँ मैं गई हुई हूँ अनुज लोगों को दिवाली विश करने। और यहाँ पर जैसे प्रचलन है शहरों में कि फ्रेंड्स लोगों को और रिलेटिव को मिलने जाते हैं, इस बहाने मुलाकात भी हो जाती है और दिवाली हैप्पी दिवाली भी हो जाती है। दिवाली चली हुई है और एक जगह से आके अब मैं जा रही हूँ दूसरी जगह दिवाली देने। तो यहाँ पर मैंने ले लिया थैली वही, तो निकल रही हूँ और दिवाली की तैयारी को चली हुई यहाँ पे। दोस्तों इस तरह से यहाँ पे दिवाली हो रही है जगमग जगमग जगमग, तो ये देख सकते हैं आप। मेन बात यहाँ मौसम एकदम साफ हो गया है अभी कुछ दिनों से, ये देख सकते हैं इस तरह से लोगों ने घरों को सजा दिया है और बहुत मस्त दिवाली होती है शहरों में। तो मोहल्ले में इस तरह से हो रहा है लाइटिंग का। दोस्तों ये दिवाली की धूम हो रही है, मार्केट अभी बहुत 2010 लोग बिजी हैं यहाँ पे, सभी लोग ले रहे हैं, हमने भी ले लिया सामान। दोस्तों यहाँ पर अभी मैं जा रही हूँ दिवाली देने, वो भी देख सकते हैं। दिवाली के गिफ्ट आ रहे हैं, गढ़वाल से आ रहे, दिल्ली से आ रहे गढ़वाल से आ रहे ना, गढ़वाल वाले कुमाऊं वालों को देने आ रहे हैं। गिफ्ट और आ गया है, एक मिनट फोन करता हूं। ये देख सकते हैं क्या है इसके अंदर, फोन करके पूछता हूं कहां पहुंचा, चेक करते हैं। हैदराबाद से आया है भाई। तो यहाँ पर छोटी दिवाली है आज, तो हमने कुछ दिए जला दिए हैं और कुछ दिए मैं यहाँ पर जला रही हूँ और इनको अब बाहर रखेंगे, यहाँ पर मैं ले जा रही हूँ। और दियों को ना दरवाजे के पास और अपनी पेड़ पौधों के पास और मंदिरों के पास कहीं कहाँ जहाँ जहाँ आप रख सकते हो वहाँ रखना चाहिए। और इसी उम्मीद से कि बस राम जी भी आने ही वाले हैं क्योंकि राम मंदिर बन चुका है। तो दोस्तों आप सभी को हैप्पी दिवाली और खुशी खुशी दिवाली मनाते रहो। और इस तरह से मैंने हर जगह दिए रख दिए हैं और तुलसी के पौधे पे भी मैं यहाँ पर दिया रख रही हूँ अपना, ये देख सकते हैं। और उसके बाद मैं अपने दो दिए बचे हुए हैं, तो एक अपने केले के पेड़ पे जो कि विष्णु भगवान की वहाँ पे, और एक जो है शम्मी का पौधा लगा हुआ है तो वहाँ पर रखने जा रही हूँ यहाँ पर। और यहाँ पर हम लोगों ने दिए हुए रख दिए हैं और छोटी दिवाली की शुरुआत कर ली है और अब जो है इंतजार है बड़ी दिवाली का। तो बड़ी दिवाली के दिन हमारा लोग कैसे, तो यहाँ पर हमने कर दी लक्ष्मी माँ की पूजा, धनतेरस पे जो है मान्यता झाड़ू लाते हैं लक्ष्मी माँ की मूर्त मतलब प्रतीक। तो यहाँ पर मेरी पूजा पाठ हो गई है और हैप्पी धनतेरस आप सभी को, और हमारे पितृदेवों को भी हैप्पी धनतेरस। तो दोस्तों यहाँ पर हमने ना लड़ी बड़ी भी लगा ली है और मालाएं लगा ली हैं लाइट की, बहुत पहले से लगा दी थी नवरात्र से ही, तो अभी लगा दी।
तो दोस्तों यहाँ पर जैसे गिफ्ट का लेन देन होता है, फ्रेंड्स लोग हैं, रिलेटिव हैं, तो मैंने आपको पहले ही बता रखा है। तो यहाँ पर मैं भी लाई हूँ कुछ गिफ्ट यहाँ पर और लोगों को देने के लिए। कुछ गिफ्ट मैं यहाँ पर दे चुकी हूँ, लोगों को बांट चुकी हैं, कुछ मेरे रिलेटिव फ्रेंड्स लोग बचे हुए हैं तो उनको मैं कल दूँगी। आज छोटी दिवाली है तो मैं आज दिन भर बिजी रही कभी कहीं कभी कहीं देने में, तो उसके बाद मैं जो मेरे बचे हुए हैं फ्रेंड्स लोग उनको मैं कल दूँगी। ये सुंदर सी मैंने कैंडल ले लिखे हैं और ये मैंने यहाँ पर गिफ्ट ले रखे हैं कुछ सारे। तो सभी को विश यू हैप्पी दिवाली हमारी तरफ से, और भगवान करे कि आपके घर खूब लक्ष्मी की बारिश हो और लक्ष्मी माँ हमेशा साल भर आपके घरों पे दरवाजे पे आते रहें और उनका वेलकम आप अच्छे से करते रहें और आप लोग हमेशा खुश रहें, यही कामना हम करते हैं। दिवाली एक दिन आती है तो हंसी खुशी हमें दिवाली को मनाते रहना चाहिए और साल में एक बार आती है और खूब इंजॉय करना चाहिए त्योहारों को। तो ये देखिए नहीं रखते, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, और हमारी दिवाली कैसी रही वो नेक्स्ट ब्लॉग में आपको देखने को मिलेगा, और क्या मैंने दिवाली में पहना और क्या क्या हमने दिवाली में करा तो वो देखने को मिलेगा। इंतजार करना और बने रहे आप हमारे साथ। वीडियो पसंद आते लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब भी जरूर कर दें।